हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज का वीडियो दमदार होने वाला है, बिकॉज वी हैव अ ग्रेट न्यूज रिगार्डिंग द टीवी राइट्स एंड प्रमोशन एंड रिलीगेशन। ये ग्रेट न्यूज इसलिए है, जो इंडियन क्लब फुटबॉल के दीवाने हैं एंड जो लोग गहरी सोच में हैं, हाउ इज द प्रमोशन एंड रिलीगेशन सिस्टम गोना वर्क। क्या क्लब्स शट हो सकते हैं आफ्टर गेटिंग रिलीगेटेड? विल दे एबल टू सस्टेन दैट रिलीगेशन? इसके पूरे आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना एंड वीडियो पसंद आए तो एक थम्स अप दे देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। We are going to talk about Viacom 18's reported deal with the Football Sports Development Limited, जिसको FS deal के नाम से भी जाना जाता है। The television and OTT rights of the Indian Super League and the Super Cup from next season will be handed to Sports 18, यानी no more Star Sports. For those who don't know, the ISL is one of the India's top professional leagues, featuring teams from all across the country competing in the championship title as a top tier. ये लीग बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी गेन कर चुकी है इन रिसेंट ईयर्स एंड इंक्रीजिंग इट्स व्यूअरशिप एंड फैन फॉलोइंग, बट हमारे जो स्टार स्पोर्ट्स वाले हैं वो घटिया एनालिसिस, घटिया ब्रॉडकास्ट करके पूरी एक्सपीरियंस की मार रहे हैं, बट ये सब बंद हो जाएगा नेक्स्ट सीजन से। हैज पर रिपोर्ट्स, वियाकॉम 18 की डील जो FSGL के साथ है वो कवर करेगी पूरे जो टेलीविजन एंड डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स है ऑफ द ISL एंड द सुपर कप, गिविंग फुटबॉल फैंस अक्रॉस इंडिया एक्सेस टू लाइव मैचेस एंड हाइलाइट्स ऑन देयर टेलीविजन एंड मोबाइल डिवाइसेस। तो ये चीज से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज्यादा बूस्ट, पब्लिसिटी, रीच एंड एंगेजमेंट मिलेगा ISL को एंड और भी दूसरे लीग्स को। दे विल जनरेट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फॉर द इन्वेस्टर्स एंड द क्लब ओनर्स। तो इससे क्लब को भी बहुत फायदा होगा एंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी फायदा होगा। ओवरऑल Viacom 18 और FSGL के बीच जो प्रपोज डील है, ये इंडियन फुटबॉल के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे ISL ही नहीं, इंडियन फुटबॉल को भी बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी एंड श्योरली इनोवेशन तो मिलेगा ही एंड फैंस के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन ये डील इतनी अहम क्यों है और हिंदुस्तानी फुटबॉल के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसको समझने के लिए वी हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। आज की ISL 2014 की ISL की जैसी कुछ भी नहीं है। ये तो अभी टॉप डिवीजन लीग बन चुकी है। अगले साल से प्रमोशन एंड रेलीगेशन सिस्टम को लागू करना शुरू कर देंगे, विच विल कनेक्ट इट टू द रेस्ट ऑफ द इंडियन क्लब फुटबॉल सिस्टम ऑल द वे डाउन टू द स्टेट लेवल। जो टॉप क्लब्स होंगे फ्रॉम सेकंड टायर, जिसको आई लीग या फिर लीग वन या फिर जो भी रीब्रांडिंग होगी फ्रॉम FSDL या AIFF, वो क्लब्स ISL में प्रमोट होने, जैसे ये सीजन जैसे हुआ नो राउंड ग्लास पंजाब एंड ऑल्सो जो बॉटम क्लब्स होंगे वो रिलीगेट हो जाएंगे सेकंड टायर को, जैसे हम लोग प्रीमियर लीग में देखते आए हैं। लेकिन हमें मालूम है रिलीगेशन एक डरावना प्रोस्पेक्ट है जो ISL की क्लब ओनर्स है उनके लिए, बट उस क्लब को शट डाउन करने की भी वो सोच सकते हैं, जो कि हमें पहले इंडियन फुटबॉल में बहुत ज्यादा देखा भी है। तो ये पहली बार FSGL के पास एक ऐसा मौका है कि ये सेकेंड टायर लीग को भी वेल प्रमोटेड एंड कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट बना सकते हैं टू मेक श्योर दैट द रिलीगेटेड क्लब्स स्टे कमिटेड टू द स्पोर्ट्स। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टार की बात करें तो वो ये काम में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं रखता था, उनको बस क्रिकेट प्रमोट करना था और कुछ नहीं। भाई हिंदुस्तानी फुटबॉल में इनकी दिलचस्पी बस ISL पे टिकी हुई थी एंड इसकी मार्केटिंग, इसकी स्ट्रीमिंग या फिर इसका जो लाइव टेलीकास्ट होता है वो भी ठीक से कर नहीं पाते थे भाई ये लोग। एंड इसके पहले दे पिक्ड अप आई लीग ब्रॉडकास्ट राइट्स, बट दैट डिडंट गो वेल। स्टार स्पोर्ट्स ने ISL के लिए जो शाम के प्राइम टाइम स्लॉट्स रिजर्व कर रहे थे और आई लीग को स्टार स्पोर्ट्स 3 पे शिफ्ट कर दिया भाई, उनपे वहां पे उनको फंसा दिया था। उस वक्त स्टार स्पोर्ट्स 3 एक नया चैनल था एंड उस वक्त आई थिंक व्यूअरशिप भी उनकी बहुत कम थी, उसकी वजह से आई लीग क्लब्स ने एक डिफरेंट ब्रॉडकास्टर की डिमांड की। तो स्टार स्पोर्ट्स वॉज ओके वही थे भाई, बोला निकल लो मुश्किल नहीं है। तो हैज थिंग्स स्टैंड्स राइट नाउ, FSDL आर ऑलरेडी हैविंग अ लुक बियॉन्ड स्टार स्पोर्ट्स टू फुलफिल देयर ड्यूटीज एज अ कमर्शियल पार्टनर ऑफ द AIFF। तो वो आई लीग के लिए वन स्पोर्ट्स लाए हैं जो कि एक इंटरिम सोल्यूशन है, बट सारे इंडियन नेशनल टीम के गेम भी देखो आप दूसरे नेटवर्क पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे साफ नेशन का जो हाल ही में कप हुआ था वो यूरो स्पोर्ट्स पे टेलीवाइज हुआ था, ऐसे जो सामने वाले कप्स हैं वो भी दूसरे चैनल पे टेलीवाइज हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्टार स्पोर्ट्स। सो दिस इज वेयर Viacom 18 कम्स इन विद देयर एक्सपर्टाइज इन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट अक्रॉस द मल्टीपल प्लेटफॉर्म। वो एक परफेक्ट सोल्यूशन है for FSDL's existing problem. In short, this can be best possible commercial booster for Indian football across all levels and the clubs can make a bit more money from it and get more confidence to stay and invest in the system. That's the happiest outcome one can hope for after a prolonged period of turmoils in Indian football. Bhai itne ups and downs humne dekhe hain in Indian football. बीच में तो लीग टेलीवाइज भी नहीं हो रही थी, कभी कभार कोई गेम्स टेलीवाइज हो रहे थे, कुछ कभी कभार कोई गेम्स टेलीवाइज भी नहीं हो रहे थे। बट दोस्तों आई थिंक सो जो हो रहा है विद द यू नो Viacom 18 कमिंग इनटू द सीन राइट नाउ इट्स वेरी गुड। तो दोस्तों व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस एंड आर यू हैप्पी विद द ट्रांसफॉर्मेशन? इफ येस, मेक श्योर टू कमेंट डाउन योर सजेशंस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स टू। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद और जय भारत।